नमस्कार, मेरा नाम सुशील प्रसाद साहू है। मैंने समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर किया है। टीचर्स ट्रेनिंग के रूप में मैंने बीएड का कोर्स किया है। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे 9 वर्षों का अनुभव है। मैं मूल रूप से मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के बिस्फी ग्राम का निवासी हूँ। मधुबनी जिला में यहाँ की मधुबनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। हमारा गांव बिस्फी विद्यापति का जन्म स्थान होने के कारण विश्व प्रसिद्ध है तथा यह पर्यटन स्थल के रूप में भी घोषित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव विद्यापति की आराधना से प्रसन्न होकर उनके यहाँ उगना के रूप में कई वर्षों तक नौकरी किए थे। अभी वर्तमान में मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसैठागढ़ सरैया मुजफ्फरपुर में पदस्थापित हूँ। हमारे विद्यालय में बच्चों की संख्या 530 है। सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं। यहाँ के बच्चों के अभिभावक प्रायः 90% से अधिक गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन निर्वहन करते हैं। मैं फरवरी 2012 से इस विद्यालय में पदस्थापित हूँ। जब मैं इस विद्यालय में आया तो यहाँ 2 मूल समस्याएं थी। पहली समस्या थी कि बच्चों की उपस्थिति कम और अनियमित थी, और दूसरी समस्या थी कि यहाँ के बच्चों और अभिभावकों में नैतिक मूल्यों की कमी थी। यहाँ ऐसी मान्यता थी, लोग प्रचलित भाषा में कहते थे कि सरकारी अस्पताल की दवाई और सरकारी विद्यालय की पढ़ाई, इससे कोई फायदा नहीं होता। इसी बीच अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण हमारे संकुल में आयोजित हुआ। जब मैंने ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो हमें यहाँ विभिन्न नवाचारों के प्रयोग का ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ हमने जाना कि शिक्षा में बिना अतिरिक्त धन व्यय किए नए नए नवाचारों का प्रयोग करके हम शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। हमने इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम में भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ZIIEI के प्रशिक्षक ने हमारी काफ़ी मदद की। हमने अपने दिमाग में आए नए नए आइडिया को उनसे साझा किया और उस आइडियाज़ को धरातल पर कार्य रूप देने में उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। अपने विद्यालय के समस्या के समाधान के लिए विद्यालय में अभिभावकों और शिक्षकों की मीटिंग आयोजित की। इस मीटिंग में हम लोगों ने अपनी समस्या पर विस्तृत विचार विमर्श किया और अभिभावकों को यह समझाने का प्रयास किया कि वे अपने बच्चों को नियमित और ससमय विद्यालय भेजें और इस विद्यालय को वह सरकारी संपत्ति नहीं, अपनी संपत्ति समझना प्रारंभ करें और यह माने कि इस विद्यालय के परिसंपत्तियों का रख रखाव और इसके रक्षा का दायित्व भी उन्हीं का है। आज हमारा विद्यालय एक रोल मॉडल विद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए, क्योंकि हमारे विद्यालय में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके लिए हम अरविंदो सोसाइटी तथा HDFC बैंक को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने शिक्षा में सुधार हेतु
एक उचित और प्रभावशाली मंच प्रदान किया है। धन्यवाद।